Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9. सभी घोड़ा घोड़ी रखते हैं, पशु रखते हैं. हम लोग कुछ मतलब हमारे पास करीबन 200 से 300 घोड़ी है और करीबन 100 एक तांगे हैं अजमेर शहर में. इनको पालना, पशुओं को पालना काफ़ी मुश्किल हो गया है. 2-2.5 महीने तक हमने जैसे तैसे करके हमने हमारे पशुओं को पाला है. हम सरकार से कुछ सहायता चाहते हैं, कुछ सब्सिडी या कुछ दाना कम भाव में हम हमारे पशुओं को पाल सकें. हम 2-2.5 महीने तक तो हमने जैसे तैसे हमारे पशुओं को पाला. करीबन एक घोड़े को पालने में 300 रुपये का खर्च आता है, एक परिवार चलाने जितना खर्च आता है प्रतिदिन. तो उसको पालना काफ़ी मुश्किल हो गया हमारे लिए. तो मैंने एक पशु रखना है, मैंने एक परिवार चलाने जैसा है और हमारा सारा कारोबार ठप पड़ा है, पूरा बंद पड़ा है. ना तो शादियों में कोई घोड़ियाँ जा रही है, ना ही कोई पर्यटक, ना कोई मेहमान शहर में आ रहा है. लोकल इंसान तो तांगे में बैठता भी नहीं है, सबके पास पर्सनल व्हीकल है, जिससे कि हमें हमारे जानवर, हमारे पशुओं को पालना काफ़ी मुश्किल हो गया. और इस स्थिति ऐसे अगर ऐसा ही रहा तो हमें हमारे पशुओं को सड़कों पर छोड़ना पड़ेगा. और हम ना हम ये चाहते हैं कि हम हमारे पशुओं को सड़कों पर मरने के लिए या किसी को मारने के लिए छोड़ना पड़े. तो हम चाहते हैं कि सरकार से हम अपने अपना विज्ञापन देने आए हैं कि हमारे दाने पाने चारे की व्यवस्था की जाए भाई, या तो कम रेट में या जैसे भी हो, जैसे गवर्नमेंट कर सके, जैसी जैसी सहायता कर सके. वो हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने आए हैं कि हमारी सहायता की जाए. और आगे भी हमारा 4 महीने तक सीज़न बंद है शादियों का, तो काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए हमारे दिन निकालना. बस धन्यवाद. मेरा नाम मनोज रामलानी, कारू भाई घोड़ी वालों के. काम पड़ा ही नहीं. आज बहुत बड़ी हमारे पास हमारी स्थिति उसमें